मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से ये न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं, रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। बंधुगण, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है। आप सोच के देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कुछ प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कहके आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया, और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप, हम, हर कोई अपील में जा सकता है। आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक